हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नियर बाय शेयर के द्वारा अगर हम एक फोन से दूसरे फोन में फोटो को ट्रांसफर करना चाहें, भेजना चाहें, मान लीजिए इस फोन से इस फोन में मुझे नियर बाय शेयर के द्वारा फोटो भेजना रहे इस फोन में, तो किस तरीके से हम भेज सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बनी रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस फोन में आपको फोटो को रिसीव करना है उसके फोन के नोटिफिकेशन को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ स्लाइड करना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नियर बाय शेयर का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ऑन कर देना इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये आपका ऑफ होगा तो इसे ऑन कर देना, फर्स्ट काम ये। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट पर इस तरीके से क्लिक होगा तो यहाँ पर आपको एवरीवन पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, अब जिस भी फोन से आप फोटो यहाँ पर भेजना चाहते हैं इस फोन में, उसको यहाँ पर अपने फोन को उस फोन को इस तरीके से ओपन कर लेना है उसके फाइल मैनेजर ऐप को। उसके बाद इमेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, इस फोन से मान लीजिए ये फोटो मैं शेयर करना चाहता हूं और ये फोटो शेयर करना चाहता हूं, तो इस तरीके से आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नियर बाय शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फर्स्ट नंबर पे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वाईफाई को कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑन कर देना है। देन यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, इस डिवाइस का नेम यहाँ पर शो होने लगेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर कनेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस फोन में एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसी एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। एक्सेप्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका फोटो एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये फोटो यहां पर देखने को मिल गया। अब ओपन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके इस फोटो को देख सकता हूं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक फोन से दूसरे फोन में फोटो या वीडियो या मूवी को ट्रांसफर करना चाहो नियर बाय शेयर के द्वारा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।